ये देखिए कि आप जो अपने बयानों से देखते हैं आप और युवा क्या बताना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती को, ये बताइए। देखिए युवा ने बता दिया, छाती पे चढ़ के झंडा लगाया है युवा ने। जब जब इस देश के झंडे का अपमान करेंगे युवा उनको उनकी ही भाषा में जवाब देगा। दुगलापन नहीं, दादागिरी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, और हिंदुस्तान को ब्लैकमेल नहीं करो। बहुत कर लिया, तुम्हारे मरहूम पिता भी यही करते थे। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन विचार की नहीं। उस विचार को खत्म करना होगा। ये जो सेपरेटिस्ट विचार है बहुत समय हो गया, अब इसको खत्म करना है। बहुत सह लिया, बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत लाशें उठा ली। 370 अब नहीं, 370 से पहले कई बात हुई थी, बट 370 हटने के बाद अब कौन से अपने आगाओं को खुश करने की कोशिश है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिम्बोलिक वहाँ पर फ्लैग रखे गए और अब दोबारा इस तरह के विवादित बयान। तो ये किसको खुश कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान को, ये चाइना को? जब जब हमारे घर में इस देश में कोई संकट आता है, ये देश वाले अपने आप को बोलते हैं हम देशवासी हैं, ये पड़ोस में हमारे दुश्मनों के साथ बैठ जाते हैं। इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब जब ये ऐसा काम करेंगे, जम्मू कश्मीर का आम युवा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम आम युवा हैं। जब जब ये ऐसी हरकत करेंगे इनको जवाब